नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। आज गांधीनगर स्थित शिक्षक सहकारी बैंक के सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं प्रमुख अतिथि विधान परिषद सदस्य चंद्रशेखर बावनकुले के हस्ते सर्वोत्कृष्ट बूथ प्रमुख एवं शक्ति केंद्र प्रमुख को सम्मानित चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके, महापौर दयाशंकर तिवारी, रामदास आंबेडकर, कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारे, मोहन मते, गिरीश व्यास, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय भेंडे, विदर्भ संगठन मंत्री डॉ. उपेंद्र कोठेकर, पूर्व विधायक सुधाकर देशमुख, अनिल सोले, सुधाकर कोहले, इनके अलावा प्रदेश, महानगर, मंडल प्रभाग, बूथ स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण मौजूद होंगे। पश्चिम महाराष्ट्र में गन्ने की फसल से किसान समृद्ध हुए। विदर्भ में भी उपज 100 टन प्रति एकड़ से अधिक होने लगी है। चूंकि लाभ की निश्चित गारंटी है, इसलिए अधिक से अधिक किसानों को गन्ने की खेती शुरू करनी चाहिए। यही किसानों की शाश्वत समृद्धि का मार्ग है। इस आशा के विचार कृषि भूषण संजीव माने ने व्यक्त किए। एग्रोविजन के प्रथम दिन वे शुक्रवार को कवि सुरेश भट्ट हॉल में गन्ना उत्पादकता एवं लाभकारी गन्ना खेती विषय पर आयोजित संगोष्ठी के अवसर पर बोल रहे थे। राजेश भागल विदर्भ के पहले किसान है जिन्होंने प्रति एकड़ 110 टन गन्ने का उत्पादन किया। मानस समूह के डॉक्टर समय बंसोड़, समूह के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जय कुमार वर्मा, आनंदराव राउत, डॉक्टर रामदास आंबेडकर, अनिल जोशी, भोजराम काबगते, सुधीर दिवे इस अवसर पर उपस्थित थे। संजीव माने ने गन्ने की फसल के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी प्रस्तुत की। 16 डिग्री से नीचे या 35 डिग्री से ऊपर का तापमान गन्ने की फसल के लिए अनुकूल नहीं होता है, अतः विदर्भ का तापमान गन्ने के लिए ठीक नहीं है। हालांकि आधुनिक तकनीकों के साथ विदर्भ में भी गन्ने का जोरदार उत्पादन हासिल किया जा सकता है। विदर्भ के किसानों ने बड़ी लगन से इस चमत्कार को अंजाम दिया है। बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय नागपुर द्वारा ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों में राजभाषा हिंदी के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना था। इस ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन नागपुर आंचल के आंचलिक प्रबंधक संतोष एस द्वारा किया गया। इस ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला में बैंक की विभिन्न शाखाओं एवं संचालित कार्यालय के विभिन्न विभागों से 57 स्टाफ सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस ऑनलाइन कार्यशाला में प्रधान कार्यालय से उप महाप्रबंधक शैलेश कुमार मालवीय भी उपस्थित थे। सर्वप्रथम उद्घाटन समारोह में बोलते हुए सांचलिक आंचलिक प्रबंधक संतोष एस ने कहा कि नागपुर आंचल राजभाषा हिंदी में काफी अच्छा कार्य करता रहा है। इसे विगत कई वर्षों से भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से भी पुरस्कृत किया जा रहा है। मैं अपने आंचल के सभी स्टाफ सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी शाखा एवं विभाग से अपना संपूर्ण कार्य राजभाषा हिंदी में करें। इस प्रकार हम अपना कार्य हिंदी में करते हुए राजभाषा नीति का पूर्ण पालन कर पाएंगे। इस कार्यशाला में कुल कार्यशाला 57 स्टाफ सदस्यों ने ऑनलाइन जुड़कर कार्यशाला का लाभ उठाया। कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक मुद्दों पर स्पष्टीकरण, संशोधन और परिपत्र जारी करने के लिए सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा करने से व्यापार करने में आसानी होगी। अनुपालन और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए देय तिथियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस आशय के विचार चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री के पदाधिकारियों ने व्यक्त किए। एसोसिएशन कोसिया विदर्भ कोसिया के अध्यक्ष सीए जुल्फे शाह ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर अधिनियम के तहत ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 15 जनवरी 2021 है और कई संस्थाओं की ऑडिट प्रक्रिया अभी भी चल रही है, इसलिए ऑडिट रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए बिना कोई तारीख यानी 31 दिसंबर 2021 से पहले कैसे जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर सकता है। अन्य मुद्दे भी लंबित हैं, अतः सरकार को इस संबंध में विचार कर उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए। आयकर विभागों में अलग अलग प्रकार से गहनों का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त स्वर्णकार को मान्यता देते हैं। प्रिंसिपल चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर ने नागपुर के सराफा बाजार भाजी मंडी स्थित ज्वेलरी प्रतिष्ठान पूजा ज्वेलर्स को अपने पारिवारिक आभूषण व्यापार को आगे के लिए ले जाते हुए ध्रुव राजकुमार गुप्ता को खरा पाया। आभूषणों के मूल्यांकन के लिए उन्हें मान्यता पत्र दिया है। इस उपलब्धि के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया, राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल, ब्रजमोहन अग्रवाल, रिसर्च कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार बिंदल, ऑल इंडिया कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के अध्यक्ष धैर्यशील पाटिल, कैट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री व सोशल मीडिया के प्रभारी सुमित अग्रवाल, कार्यालय सचिव स्मिता अहुजा,
टीम कैट नागपुर के गोपाल अग्रवाल, किशोर धारशिवकर आदि के हाथों टीम कैट नागपुर स्थित ऑफिस में ध्रुव राजकुमार गुप्ता का सत्कार किया गया। अप्रूव्ड वैल्यूअर की मान्यता मिल जाने से ध्रुव राजकुमार गुप्ता अब वेल्थ टैक्स या किन्हीं अन्य कारणों से अपने आभूषणों का मूल्यांकन करना हो तो ध्रुव राजकुमार गुप्ता से संपर्क कर सकते हैं। इस मौके पर प्रमुखता से विनोद गुप्ता, ज्ञानेश्वर रक्षक, जिया शेख, दीपा पचौरी, वसंत कुंभारे, रविंद्र गुप्ता, विनीत राठौड़, स्वर्णकार व्यापारी राजकुमार गुप्ता, तेजस ढोरे आदि उपस्थित थे। प्रमाण AI एक बहुपयोगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है। यह हार्टिकल्चर के लिए सबसे बड़ा वैश्विक डिजिटल स्पॉट एक्सचेंज, हार्टिकल्चर फसलों जैसे ताजे फल, सब्जियां और मसालों की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन आधारित तकनीक का उपयोग करता है। यह नागपुर के रेशमबाग ग्राउंड के आयोजित होने वाले नागपुर के सबसे बड़े कृषि शिखर सम्मेलन एग्रोविजन 2021 में ग्रेडिंग मशीनों के साथ साथ एक अभूतपूर्व कृषि व्यापार विनिमय मंच के लाभों को प्रदर्शित करेगा। आगंतुकों को प्रमाण और इसके क्रांतिकारी डिजिटल स्पॉट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से परिचित कराया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म इलायची, प्याज, लहसुन, अनार, सेब, आलू और टमाटर सहित कृषि वस्तुओं में स्पॉट ट्रेडिंग, ई नीलामी और रिवर्स नीलामी की सुविधा प्रदान करता है। प्रमाण खरीदारों से अपने वादे को पूरा करने वाला दुनिया का एकमात्र 100% गारंटी देने वाला AI तकनीक है। स्थानीय बागवानी खरीदार, विक्रेता और किसान इंटेलो ग्रेड और इंटेलो अनाज NIR मशीनों के लाइव प्रदर्शन देखने के लिए स्टॉल B87 पर जा सकते हैं। इंटेलो ग्रेड और इंटेलो ग्रेन अगली पीढ़ी की ग्रेडिंग मशीन है। इसके जरिए तस्वीरों के माध्यम से स्पॉट क्वालिटी का आकलन कॉफी, इलायची, बादाम, चेरी, काली मिर्च, गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन और दालों की गुणवत्ता, बेहतर मार्जिन के बारे में रियल में जानकारी देगा। GH रायसोनी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च खापरखेड़ा द्वारा हाल ही में NAC क्राइटेरिया 7 इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अंडर IQC सेल पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान का उद्देश्य महाविद्यालयों का गुणवत्ता विकास करना था। इस व्याख्यान के लिए NAC विशेषज्ञ डॉक्टर लीना गोविंद गहाने, उप सलाहकार NAC को आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर गहाने ने गुणवत्ता विकास पर जोर दिया जिससे कि महाविद्यालय को SSR विवरण बनाने में काफी मदद होगी। उन्होंने इन बात पर भी जोर दिया कि महाविद्यालयों को उत्कृष्ट कार्यप्रणाली तथा पद्धतियों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने विद्यार्थियों के गुणों का विकास कर उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ढलाने की सलाह दी। डॉक्टर गहाने ने बड़े सरल तरीके से NAC के कई घटकों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस व्याख्यान में अन्य महाविद्यालयों के शिक्षक वर्ग ने भी भाग लिया। इसके पश्चात उपस्थित विद्यार्थियों ने डॉक्टर गहाने को कई प्रश्न पूछे तथा अपनी शंकाओं का निवारण किया। डॉक्टर दीप्ति टावरी, संयोजक ने रायसोनी बिजनेस स्कूल की संचालिका डॉक्टर आरती देशपांडे के मार्गदर्शन में कार्यक्रम की सफलता के लिए अथक परिश्रम किए। ठंड का प्रकोप देखते हुए हर साल की तरह इस साल भी गरीब, दिव्यांग, असहाय व्यक्तियों को जैन राजनीतिक चेतना मंडल की ओर से कंबल वितरण किया गया। जन सेवा में हमेशा सेवा भाव में रहने वाले जैन राजनीतिक चेतना मंच के पदाधिकारियों द्वारा छोटा ताजबाग, अग्रसेन चौक, मेडिकल चौक में गरीबों को कंबल वितरण किया गया। महाराष्ट्र मंच के प्रदेश अध्यक्ष सुमत लल्ला जैन द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर चंद्रनाथ भागवतकर मंच के संगठन मंत्री थे। इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग पवन जैन बोरा, नानाजी थेरे, राजू गोसेवाड़े, संतोष सावलकर, अनंता पवार, डॉक्टर खापरे पाठक, दीपक शेंडेकर आदि मान्यवर तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण उपस्थित थे। मंच के पदाधिकारियों ने भी सभी का आभार माना। महानगर के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर बालकृष्ण महाजन नागपुर का नागपुर आकाशवाणी पर आज कामगार सभा कार्यक्रम के अंतर्गत साहित्य सृजन में काव्य पाठ का प्रसारण हो रहा है। डॉक्टर बालकृष्ण महाजन की अब तक 10 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। काव्य संग्रह में रंग और गुदगुदी है। डॉक्टर महाजन का कार्यक्रम अधिकारी सचिन लाडोले तथा आदेश जैन ने सहयोग किया। डॉक्टर महाजन का शहर के कवियों ने और काव्य प्रेमियों ने अभिनंदन किया है। केंद्रीय रेल और कोयला राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने हाल ही में कोराडी स्थित जगदम्बा देवी मंदिर पहुंचकर भगवती महालक्ष्मी के दर्शन किए। वे विधायक चंद्रशेखर बावनकुले के आवास पर भी पहुंचे। इस अवसर पर विधायक बावनकुले ने फूलों का गुलगस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर ज्योति बावनकुले उपस्थित थी। कोराडी देवी मंदिर में दर्शन के बाद दानवे ने वहां के विकास कार्यों की जानकारी ली। बावनकुले ने मंदिर के विकास की सारी जानकारी दानवे से साझा की। उन्होंने बताया कि जगदम्बा देवी मंदिर का चेहरा बदल गया है।
इस मौके पर दानवे ने मंदिर में मौजूद अन्य श्रद्धालु भक्तों से भी जानकारी ली। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय गणित दिन के उपलक्ष्य में दयानंद आर्य कन्या विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय में प्रश्न मंजूषा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए महक आडवाणी ने प्रस्तावना रखी। इसके पश्चात हेमलता सावलानी द्वारा गणितज्ञ रामानुजन का जीवन परिचय देकर किया गया। प्रश्न मंजूषा के नियमों से अवगत कराकर स्पर्धा का प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रश्न मंजूषा में विद्यार्थियों के तीन गट आर्यभट्ट, भास्कराचार्य व ब्रह्मगुप्त बनाए गए, जिनसे विविध प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों के गणित संबंधी ज्ञान का विकास करने का प्रयास किया गया। विद्यार्थियों ने अपनी उत्सुकता बनाए रखी एवं प्रश्नों के बढ़ चढ़ कर उत्तर दिए, जिसमें भास्कराचार्य ग्रुप विजयी रहा। प्राचार्य तेजिंदर वेणुगोपाल ने विद्यार्थियों को स्पर्धा उपक्रमों में निरंतर सहभाग लेकर अपने ज्ञानार्जन को बनाए रखने की प्रेरणा दी। संस्था सचिव राजेश लालवानी विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों को स्पर्धाओं में सर्वप्रथम रहने की जागरूकता बनाए रखने का निर्देश दिया। आभार प्रदर्शन कनक बेलानी ने किया। विद्यार्थियों ने अपनी ज्ञान एवं कौशल के आधार पर विविध प्रकार के मॉडल्स, चार्ट्स एवं गणितीय खेलों को प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया। अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल हेती सुरला में राष्ट्रीय किसान दिवस पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के सच्चे मसीहा थे। वर्ष 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। स्वयं किसान परिवार से होने के कारण किसानों की समस्याओं से वे भली भांति परिचित थे। वंदना यादव के कुशल मार्गदर्शन में कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों ने किसान गीत, कथा, कहानी एवं रंगोली स्पर्धा में सक्रिय भागीदारी निभाई। विद्यार्थियों ने किसान गीत के साथ साथ ड्राइंग भी सभी के साथ साझा की। देश के साथ राज्यों में भी ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में संभावित खतरे को पहचानते हुए टीकाकरण में तेजी लाई जाए और लक्ष्य को शत प्रतिशत हासिल किया जाए, ये निर्देश विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने प्रशासन के अधिकारियों को देते हुए ओमिक्रॉन वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोविड निवारक उपायों सहित सभी सहायक यंत्रणा को सुसज्जित करने का आह्वान किया। विभागीय आयुक्त लवंगारे वर्मा ने इस संबंध में उपायों की समीक्षा करने के लिए विभागीय आयुक्तालय में बैठक बुलाई थी। बैठक में नागपुर जिला कलेक्टर आर विमला, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी योगेश कुंभेजकर, मनपायुक्त राधाकृष्णन बी, उपायुक्त राजस्व मिलिंद सालवे, उपनिदेशक स्वास्थ्य संजय जायसवाल सहित वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली के जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुधीर गुप्ता, मेयो के डीन डॉक्टर तायडे आदि अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि 30 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले मरीज बढ़ रहे हैं, साथ ही जैसे देश और प्रदेश में ओमिक्रॉन के मरीज पाए गए हैं, विदेश से आने वाले प्रत्येक नागरिक की कोरोना जांच अब अनिवार्य होगी। कृषि सबसे व्यापक क्षेत्र है। देश में कई क्षेत्रों में निजी और अन्य निवेश किए जाते हैं, लेकिन कृषि में कोई निजी निवेश नहीं है। ये विचार व्यक्त करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस क्षेत्र में भी निजी निवेश की आवश्यकता है, तभी कृषि क्षेत्र के विकल्प के रूप में किसानों के लिए प्रगति करना संभव होगा। वे ऋषिबाग स्थित सुरेश भट्ट सभागृह में एशिया की सबसे बड़ी कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन 2021 के उद्घाटन समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कर्नाटक के मंत्री अश्वत्थ नारायण, महापौर दयाशंकर तिवारी, सांसद विकास महात्मे, कृपाल तुमाने, विधायक चंद्रशेखर बावनकुले, कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारे, पूर्व मंत्री अनिल बोंडे, पाशा पटेल, डॉक्टर पातुरकर, संजय अग्रवाल, अरुण नारायण, प्रदर्शनी सचिव रवि बोरटकर, निदेशक डॉक्टर माई, रमेश मानकर आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के हाथों एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र में अधिक काम करने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र में काफी असंतुलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में असंतुलन को दूर करने की कोशिश की है। शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हितग्राहियों ने अपने नए आवास के लिए सपने सजाए थे, जिसके बाद की जारी सूची अनुसार हितग्राहियों ने अपने पुराने मकान तोड़कर नए मकान बनाना भी प्रारंभ कर दिया था। लोगों की पहली व दूसरी किस्त तो डाल दी गई, लेकिन तीसरी किस्त अभी तक नहीं डाली गई, जिससे हितग्राही चिंतित एवं परेशान है। उपरोक्त आरोप लगाते हुए बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच की संस्थापक अध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री एडवोकेट सुलेखा कुंभारे के मार्गदर्शन में एवं विदर्भ सचिव व पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष अजय कदम व शहर अध्यक्ष दीपंकर गणवीर के नेतृत्व में
अशफाक कुरेशी, उदास बंसोड, अनुभव पाटिल, स्नेहलता गजबिये, रजनी गजबिये, शरद रहाटे, सुभाष सोमकुवर, निखिलेश डोंगरे, राजू मेश्राम, उषा भावे, रेखा पाटिल, रोहित पाटिल आदि ने गुरुवार को आवास योजना के किस्त संबंध में जिलाधिकारी को प्रेषित ज्ञापन नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर मुख्याधिकारी संदीप बोरकर को सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि हितग्राहियों को अविलंब किस्त नहीं दिया गया तो बरी एवं तीव्र आंदोलन करने को बाध्य रहेगी। स्थानीय बजरंग पार्क स्थित हनुमान मंदिर में हाल ही में पीपल टू पीपल सोसाइटी नागपुर द्वारा विद्यार्थियों को सोसाइटी की चेयरमैन अनुश्री खोबरागड़े के हस्ते रजिस्टर बांटे गए, जिसमें लगभग 25 से ज्यादा विद्यार्थियों का समावेश था। प्रति विद्यार्थी को 8 रजिस्टर निशुल्क प्रदान किए गए। ये प्रक्रिया नामांकन के माध्यम से ही की गई। इस मौके पर संचालक धम्माचारी तेज धम्मा ने विद्यार्थियों का कुशलता से उचित मार्गदर्शन किया। ज्ञात हो कि सोसाइटी का उद्देश्य है कि गरीब विद्यार्थियों को शिक्षित करे तथा अभिभावकों पर आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। सोसाइटी ने बताया कि अभी तक जिले में 10,000 विद्यार्थियों को रजिस्टर बांटा गया। उक्त कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने परिश्रम कर सहकार्य किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने अनुश्री खोबरागड़े एवं धम्माचार्य तेज धम्मा का आभार व्यक्त किया। कामठी शहर भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष संजय कनौजिया व नगर परिषद विपक्ष नेता लाल सिंह यादव के नेतृत्व में नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वे प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त व जमीन पट्टे उपलब्ध करवाने की मांग की। वहां उन्होंने धरना प्रदर्शन कर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गरीब व बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की योजना चलाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नगर परिषद प्रशासन गरीबों से खिलवाड़ कर रहा है। धरना प्रदर्शन में कामठी भाजपा के महामंत्री विनोद संगेवार, महामंत्री उज्जवल राय बोले, महामंत्री सुनील खानवानी, मंगेश यादव, रमेश वैद्य, राज हाड़ोती, भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष व कैंटोनमेंट बोर्ड के मानोनीत सदस्य कमल यादव, नगर सेवक प्रतीक पड़ोले, नगर सेविका संध्या उज्जवल राय बोले, योगेश गायधने, जितेंद्र खोबरागड़े, महेंद्र वंजारी, दिनेश स्वामी, बिरजू चहांदे, शेख अशफाक, दिनेश शरण, दत्तात्रेय भुजाड़े, सचिन बुरेवार, गायत्री यादव, प्रभा राउत, प्रेमलता शर्मा, चंदा तुरस्कर, दीप्ति करसाल, सतीश जायसवाल, प्रवीण आगाशे, प्रमोद वर्णम आदि शामिल थे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कामठी शाखा में राष्ट्रीय किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य सुनाते हुए कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की सदस्य सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता दीदी ने कहा कि किसान केवल जग का अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का आधार भी है। किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। किसानों का सम्मान ही देश की शान है। कहा जाता है कि किसान नहीं तो इंसान नहीं। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में क्षेत्रीय जैविक खेती प्रशिक्षण केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर वाचस्पति पांडे, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के सदस्य डॉक्टर महेंद्र ठाकुर उपस्थित थे। कार्यक्रम में जैविक यौगिक खेती करने वाले किसानों के अनुभव रखे गए। बड़े रूप में यौगिक खेती करने वाले महेंद्र ठाकुर, कामठी पंचायत समिति के सभापति सेवक उइके, मीताराम सव्वालाखे, दिलीप मुले, चंद्रशेखर डोनारकर, ईश्वर मदनकर, शंकर देशमुख, राजेंद्र शेंद्रे, सुरेंद्र मालेवार, शंकर भाई, जैविक खेती करने वाले 11 किसानों और कृषि साइंटिस्ट को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की प्रमुखता में कामठी तालुका सरपंच संगठन के अध्यक्ष व खैरी ग्राम पंचायत के सरपंच बंडू कापसे सहित सैकड़ों किसानों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष जायसवाल के विशेष प्रयासों से रामटेक तीर्थ विकास योजना के लिए 5 करोड़ रुपए सहायता अनुदान के रूप में प्रदान किए गए। 5 करोड़ रुपए से तीर्थ क्षेत्र विकास योजना में कई कार्य शुरू होंगे। इस प्रकार रामटेक स्थित नेहरू मैदान में दर्शक दीर्घा एवं खेल के मैदान के विकास के लिए 1,20,00,000 रुपए, गढ़ मंदिर क्षेत्र में दुकान परिसर निर्माण एवं परिसर के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए, शौचालय निर्माण एवं विकास के लिए 50,00,000 रुपए, गढ़ मंदिर परिसर में भोजनालय के निर्माण, गांधी चौक पर परिसर के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। कुही तालुका के कुही तहसील कार्यालय में नागपुर जिले के हिंगना तालुका में तलाठी और मंडल अधिकारियों के अन्यायपूर्ण निलंबन और उनकी बहाली की मांग को लेकर नागपुर जिले के सभी तलाठी और मंडल अधिकारियों द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया है। 9 दिसंबर को उन्होंने काले रिबन के साथ काम किया और दूसरे चरण में 13 दिसंबर को तलाठी और मंडल अधिकारियों ने तहसील कार्यालय में डिजिटल हस्ताक्षर प्रस्तुत किए और निलंबन अभी तक वापस नहीं लिया गया है। 23 दिसंबर से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश आंदोलन शुरू किया गया है। कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस बारे में तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा है।
हालांकि आंदोलन से आम जनता को ही असुविधा के लिए हमें खेद है, लेकिन तमाम कर्मचारी अपने साथी को बिना किसी दोष के अन्यायपूर्ण तरीके से निलंबित करने के निर्णय को रद्द करने के लिए अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश आंदोलन कर रही है। कुही तालुका के सभी तलाठी और मंडल अधिकारियों ने आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन को सफल बनाने के लिए हिंदलाल उके उपाध्यक्ष विदर्भ मंडल अधिकारी संघ, विदर्भ पटवारी संघ उपमंडल उमरेट के उपाध्यक्ष अशोक इंगले, मंडल अधिकारी बारा पात्रे टोटे आदि ने सक्रिय रूप से सहयोग दिया। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।